हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल सेंटर का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए सीआईपी सीक्वेंस रूल पढ़ा था, जिसमें ग्रुप्स को किस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है इसके बारे में बताया गया था। तो अब उन रूल्स को अप्लाई करते हैं। ये एग्जांपल्स आप लोगों को करने हैं, क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। आप क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ईजेड कॉन्फिगरेशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये ग्रुप है। सेकंड, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां CH3H, यहां CH3 और यहां C2H5 मींस इथाइल ग्रुप। थर्ड यहां लिख देता हूं, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर है CH2Cl और यहां है CH और दो फ्लोरीन। इस पोजीशन में इस कार्बन पर है तीन फ्लोरीन और यहां है एक ब्रोमीन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप नोट कर लीजिए इन्हें। CH2 यहां है CHO, CHO मीन्स डबल बॉन्ड और इस जगह है CH2 ऑक्सीजन। इस केस में इस पोजीशन पे लगा देता हूं मैं क्लोरीन और इसके यहां है ब्रोमीन। फिफ्थ लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहां OH ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये एक हाइड्रोकार्बन चेन। सिक्स्थ लेते हैं, इस एग्जांपल में कीजिए कि EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहां है एक फोर मेंबर रिंग और यहां है एक सिक्स मेंबर रिंग, ठीक है। इस एग्जाम्पल में यहां CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर है C ट्रिपल बॉन्ड CH। इन सभी में वीडियो पॉज करके CIP सीक्वेंस रूल निकालिए। एक मैं बता रहा हूं सबसे इजी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। फर्स्ट मैं बता देता हूं, पहले इन दोनों ग्रुप्स पे CIP सीक्वेंस रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो क्लोरीन ही होगा, तो वन ये हो गया, टू ये हो गया। इस कार्बन पर दो ग्रुप है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज्यादा होता है, तो वन ये हो गया, टू ये हो गया। वन वन सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड के लिए हम लोग ई कॉन्फिगरेशन एंटाजन, याद रखिएगा एंटा एंटी जैसा है तो एंटाजन कॉन्फिगरेशन मीन्स ई कॉन्फिगरेशन आएगा। आप लोग इन सभी एग्जांपल्स को करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर मैं इनके सॉल्यूशन बताता हूं। आप लोगों ने कर लिया होगा। इसमें ये वन ये टू, ये वन एंड टू, सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसका कॉन्फिगरेशन आएगा ई, ठीक है। यहां इस कार्बन का एटॉमिक नंबर, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एटम कार्बन है, फर्स्ट एटम हाइड्रोजन है, इसका वन होगा और यहां टू होगा। यहां कार्बन है फर्स्ट पर, यहां भी फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है। अब सेकंड पोजीशन पे कार्बन भी है और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन भी है। सेकंड पोजीशन वो पोजीशन आप लोगों को देख लेनी चाहिए जहां सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर हो। कहने का मतलब इस कार्बन पे जब सेकंड पोजीशन आप देखने जा रहे हो तो उस कार्बन को देखो, उस ग्रुप को देखो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसको सेकंड मान के करो। तो यहां सेकंड में मैं कार्बन मानूंगा, हाइड्रोजन भी सेकंड पर ही है पर कार्बन से कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। तो
तो सेकंड पे कार्बन है और इसमें सेकंड पे हाइड्रोजन ही है, तो ये वन होगा और ये टू होगा। वन वन अपोजिट साइड है अगेन, तो ये कॉन्फिगरेशन ई मींस एंटाजन। नेक्स्ट, इस और में फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, यहां भी फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन मान लीजिए, सेकंड हाइड्रोजन भी है पर क्लोरीन को पहले देखना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है इसलिए। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, यहां सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्लोरीन ज्यादा है, इनके नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्लोरीन का, इसलिए वन ये हो गया, टू ग्रुप ये हो गया। यहां फर्स्ट एटम कार्बन, सेकेंड एटम ब्रोमीन, सेकेंड एटम फ्लोरीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए वन ये होगा, टू ये होगा, दोनों सीनियर ग्रुप सेम साइड है इसलिए ये जेड कॉन्फिगरेशन होना चाहिए। इसमें देखते हैं फर्स्ट कार्बन, यहां भी फर्स्ट कार्बन, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन और सेकंड पोजीशन पे कार्बन, आगे नहीं बढ़ना है, सेकंड पोजीशन पे डिसीजन हो चुका है, ये वन है और ये टू है। यहां फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, यहां भी फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, सेकंड में क्लोरीन को मानूंगा और यहां सेकंड कार्बन को मानेंगे, क्लोरीन और कार्बन में कंपैरिजन किया तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ही डिसीजन हो चुका है, तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग नहीं जाएंगे। जब सेकंड पोजीशन के सारे एटम सेम होते हैं तो थर्ड पोजीशन पे बढ़ेंगे, अगर थर्ड पोजीशन के सारे एटम सेम होते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे। क्लियर, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, सीनियर ग्रुप, ये ई कॉन्फिगरेशन वाला कंपाउंड होना चाहिए। दोनों एग्जांपल्स और देखते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में बॉन्ड पेयर को प्रायोरिटी मिलेगी। फर्स्ट एटम यहां भी कार्बन, फर्स्ट एटम यहां भी कार्बन, सेकंड पोजीशन पर यहां दो कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे यहां एक ही कार्बन है। एक्चुअली सेकंड पोजीशन की सारी कंडीशंस को अप्लाई कंसीडर करना चाहिए। लो फर्स्ट पोजीशन पे एक एक कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे एक भी कार्बन यहां भी है, एक कार्बन यहां भी है, सेकंड पोजीशन पे एक और कार्बन है, इसमें तो एक हाइड्रोजन ही है। मैंने कहा था जब सेकंड पोजीशन की सारी कंडीशन सेम होती है तभी थर्ड पोजीशन पे बढ़ते हैं, तो यहां ये ग्रुप वन होगा, ये टू होगा, चाहे कार्बन चेन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। वन वन ग्रुप अपोजिट साइड है, तो एंटाजन मींस ई कॉन्फिगरेशन वाला कंपाउंड है। क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल में देखिए, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज हो सकती है और है ही। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हम लोगों को निकालना है, आइडेंटिफाई करना है ईजेड कॉन्फिगरेशन। यहां फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, यहां भी फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन, सेकंड पोजीशन बिल्कुल सेम है, उतने ही कार्बन है, उतने ही हाइड्रोजन यहां भी है। अब थर्ड पोजीशन पर ऑक्सीजन आया है, यहां फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन है, तो इसका कॉन्फिगरेशन, इसको प्रेफर किया जाएगा, ये टू होगा। यहां फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है, लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो हम लोगों को उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको सोच के फिर आंसर देना होता है। यहां दो पाई बॉन्ड थे, दोनों पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया और इमेजिनरी कार्बन मैंने यहां लगा दिए, एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहां एक इमेजिनरी कार्बन होगा, यहां भी एक इमेजिनरी कार्बन होगा। अब देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे एक कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पे एक कार्बन है, सेकंड पोजीशन पर थ्री कार्बन है और यहां सेकंड पोजीशन पे टू कार्बन है, डिसीजन हो चुका है, ये सीनियर ग्रुप है, ये जूनियर ग्रुप है। वन वन ग्रुप सेम साइड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड पे जो ज्योमेट्रिकल सेंटर से उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरे डबल बॉन्ड के लिए, उसके लिए जेड कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा। तो यहां तक के एग्जांपल से काफी कुछ तो क्लियर हो गया होगा, और एग्जांपल्स लेता हूं, आप लोग इन्हें लिखिए और कोई डाउट हो तो अच्छी तरह उन कॉन्सेप्ट्स को वापस अच्छी तरह देखिए, क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। सेवंथ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां CH2Cl और यहां ड्यूटेरियम, यहां CH3CD3।
यहां CH2 CD3 है और यहां CD2 CH3 है। यहां है CH2 CH3 और यहां ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, सभी जानते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां CH2 CH2 Cl और यहां CD2 CH3। इस पोजीशन पर यहां एल्डिहाइड है और यहां एक कार्बन छोड़कर OH ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CN साइनाइड, CuCl एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां C डबल बॉन्ड CH2, यहां है CH CH2 CH3, यहां भी एक CH3, यहां भी, और सभी तरह के केसेस इसमें हो चुके हैं अभी तक के। तो CH2 OH CH2 Br, इन केसेस को हम लोग लेते हैं और उसे कंपैरिजन करेंगे। सभी को आप लोग पढ़ेंगे पहले, फिर सॉल्यूशन देखोगे। अब करते हैं, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम ड्यूटेरियम। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ड्यूटेरियम का तो वन ही है, आइसोटोप भी तो हाइड्रोजन का, तो कार्बन सीनियर होगा और ड्यूटेरियम आएगा टू नंबर। कार्बन और यहां भी फर्स्ट एटम कार्बन है, ड्यूटेरियम का आइसोटोप हैवियर आइसोटोप को इंपॉर्टेंस देंगे, 1-1 अपोजिट साइड है इसलिए एंटाजन ई के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन ना कंसीडर करके पहले कार्बन कंसीडर कीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहां भी सेकंड एटम ड्यूटेरियम को कंसीडर ना करके कार्बन को कंपैरिजन करेंगे, कार्बन को कंसीडर करेंगे, तो सेकंड कार्बन है, यहां भी सेकंड कार्बन है। अब थर्ड पे नहीं बढ़ना है, सेकंड पे और भी डिफरेंस है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का, इसलिए वन ये होना चाहिए। ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप है, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। यहां कार्बन और ड्यूटेरियम में कंपैरिजन करना है, कार्बन का ही एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, 1-1 सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड के लिए ई एंटाजन ये कॉन्फिगरेशन देना होता है। नेक्स्ट इसमें देखो, फर्स्ट कार्बन, यहां भी फर्स्ट कार्बन, सेकंड पे कार्बन है, यहां भी सेकंड पे कार्बन, थर्ड पे नहीं बढ़ना है, सेकंड पे और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का डिफरेंस है इसलिए ये होना चाहिए। फर्स्ट कार्बन, यहां भी फर्स्ट पे कार्बन, सेकंड पोजीशन पे यहां एक ऑक्सीजन और सेकंड पोजीशन पे यहां दो ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण ये इमेजिनरी ऑक्सीजन और यहां इमेजिनरी कार्बन रखना होगा। तो वापस देखो, फर्स्ट पे कार्बन है, फर्स्ट पे कार्बन है, सेकंड पर दो ऑक्सीजन है और सेकंड पर इसमें एक ही ऑक्सीजन है, ये एल्डिहाइड को 1 मिलना चाहिए, इसको 2 मिलना चाहिए, 1-1 सेम साइड है, तो ये हो गया जेड कॉन्फिगरेशन। यहां सी, यहां भी कार्बन, सेकंड पोजीशन पे एक नाइट्रोजन है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन नहीं, पहले ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, तो इस कार्बन पर सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन है, पहले वही देखूंगा, इसमें सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, चाहे कितने ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट होना चाहिए एल्डिहाइड ग्रुप, साइनाइड आएगा बाद में। फर्स्ट कार्बन है, यहां भी फर्स्ट कार्बन है, सेकंड क्लोरीन है, यहां क्लोरीन नहीं नाइट्रोजन है, 1 ये होगा और 2 ये होगा, सीनियर ग्रुप सेम साइड, तो जेड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। इसमें देखिए, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, डबल बॉन्ड हटाकर मुझे यहां हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कार्बन रखने चाहिए। अब आप देखो, कार्बन स्केलेटन बिल्कुल सेम है, फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है,
फिर यहां दो कार्बन अटैच है, आगे भी दो कार्बन अटैच है, फिर उसपे भी एक मिथाइल है, यहां भी एक कार्बन है। तो अगर हाइपोथेटिकल जो इमेजिनरी स्केलेटन है और एक्चुअल स्केलेटन है वो बिल्कुल सेम हो, तो एक्चुअल स्केलेटन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इमेजिनरी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? ये नया बोल गया। अब इसमें कार्बन, यहां भी कार्बन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से तो ज्यादा होगा, 1 ये होगा, 2 ये होगा, तो ये क्या हो गया, जेड कॉन्फिगरेशन हो गया। क्लियर हो गया होगा? इसे लिख लीजिए आप लोग और अपने आंसर्स मैच कीजिए। जो मिस्टेक्स हो गई है उन मिस्टेक्स को जरूर पकड़िए, फिर करें आगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन का 12th पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिस ट्रांस में भी बताया था, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सिस है कि ट्रांस से, देखिए ई है कि जेड है, ये एच एच सेम साइड है, जो टू नंबर पे आएंगे तो ये होना चाहिए, इस कार्बन के लिए 1 होना चाहिए ये कार्बन, और नीचे हाइड्रोजन होना चाहिए 2। इस कार्बन के लिए 1 होना चाहिए कार्बन, और नीचे हाइड्रोजन होना चाहिए 2। 1 1 सेम साइड है, तो ये हो गया जेड कॉन्फिगरेशन, और ये हो गया आप देखो इसमें ई कॉन्फ़िगरेशन, यहां एच इस तरफ है, यहां एच इस और है। ठीक है, अब यहां वापस वही सिचुएशन आ गई है कि जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो किसे प्रिफर करेंगे, क्योंकि दोनों ओर से डबल बॉन्ड की पोजीशन का सेट सेम आ रहा है। तो यहां भी रूल रखा गया है कि जेड को ई से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कब, जब दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड का सेट सेम हो। तो यहां नंबरिंग आपको यहां से करनी होगी, और कंपाउंड का नेम जब रखेंगे तो नेम हो गया इसका 2Z एंड 4E, ये स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन लिखकर, और नेम लिखेंगे हम लोग हेक्सा 2,4-diene, 2,4-diene, ये कंप्लीट नॉमेनक्लेचर हो गया। यहां हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल सेंटर के बारे में बता दिया कि वो किस तरह की ज्योमेट्री रखता है। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3, यहां Cl, यहां HH और CH3, यहां HH और CH3। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए नेमिंग तो छोड़ो, आप पहले आप ये बता दीजिए कि डबल बॉन्ड जो है वो किस तरह के हैं। इसका भी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन है, EZ इसका भी है और इसका भी है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे। तो आप लोग कीजिए पहले, फिर मैं सॉल्व करता हूं। आप लोगों ने किया होगा। इस कार्बन के, इस मल्टीपल बॉन्ड के लिए देखिए आप, यहां 1 ये होगा, 2 ये होगा। ठीक है, ये 1 होगा कार्बन, 2 होगा हाइड्रोजन, तो 1 1 सेम साइड है, तो सेम साइड के लिए इसे जेड कहा जाता है, ये जेड कॉन्फ़िगरेशन। इस डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, 1 होगा ये, 2 होगा ये, यहां 1 होगा ऊपर वाला, हाइड्रोजन होगा 2, 1 1 अपोजिट साइड है, तो ये एंटाजन ई कॉन्फ़िगरेशन। अब इस डबल बॉन्ड के लिए देखते हैं, इस डबल बॉन्ड के लिए 1 ग्रुप होना चाहिए ये क्लोरीन, और ये होना चाहिए सेकंड। अब दोनों तरफ ग्रुप सेम नहीं है, ई जेड का डिफरेंस है, अगर दोनों तरफ जेड जेड होता तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, ज्योमेट्रिकल ऐसा शो नहीं कर सकता था, लेकिन ये ई है और एक जेड है, तो ई को जेड से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ये ग्रुप 1 होना चाहिए और ये ग्रुप 2 होना चाहिए, ये ग्रुप अपोजिट साइड है, सीएल के सेम साइड है, ये 1 है और ये भी 1 है, सेम साइड होने के कारण इसका कॉन्फिगरेशन जेड देना होगा। तो इतने एग्जांपल लेने से क्लियर हो गया होगा कि ई जेड कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से दिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने एलिमेंट्री एग्जांपल्स हैं, उनको 2 बार 3 बार लिया है,
और कुछ थोड़े एडवांस एग्जांपल्स हैं, उनको एक ही एग्जांपल लिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर अटकाने की कोशिश नहीं करूंगा। आप लोगों को ध्यान देना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमको अच्छी तरह आना चाहिए, फिर तो अपने दिमाग को और बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए एग्जाम्पल्स तो कई तरीके से दिए जा सकते हैं, क्वेश्चंस करने की जरूरत होती है। ओके, थैंक यू।